ऑफिस में काम कर रहे लोग। अरे शिवम, ये कोमल अभी तक नहीं आई क्या? आकाश फोन कर कोमल को और पूछ कहाँ है। ये लड़की पता नहीं कब लेट आना छोड़ेगी, हमेशा लेट आती है। आकाश कोमल को फोन मिला ही रहा होता है कि तभी कोमल आ जाती है और बोलती है, अरे अरे आ गई मैं ऑफिस, बस 10 मिनट ही तो लेट हूँ। अच्छा छोड़ ये सब और इधर आ और बता घूमने चलेगी, हम सब घूमने का प्लान बना रहे हैं। वाओ, घूमने जाएंगे, मजे करेंगे, लेकिन हम घूमने जाएंगे कहाँ? हम लोग सोच रहे हैं कि रुद्रगढ़ चलें। वहाँ पर इंद्र वर्मा का बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें एक बहुत बड़ा घड़ा है जो सोने चांदी से भरा हुआ है। लेकिन मैंने तो सुना है वहाँ उस मंदिर में जो चाहता है वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। स्कूल के आगे पढ़ी थी या पीछे पढ़ी थी जो इस तरह की फालतू की बातें कर रही है? तुझे गांव वालों का पता नहीं है क्या कि ये लोग खजाना बचाने के लिए कैसी कैसी अफवाहें फैलाते हैं? हाँ यार, तू सही कह रहा है, गांव के लोग वो खजाना बस अपने गांव तक ही सीमित रखना चाहते होंगे, इसलिए इस तरह की अफवाह फैला रखी होगी कि उस मंदिर में जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। नहीं नहीं यार, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो भाई मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, वहाँ मैंने सुना है रुद्रगढ़ के राजा की आत्मा है उस मंदिर में। ठीक है मत जा, फिर बाद में मत कहना कि तुझे खजाना नहीं मिला। अरे अरे मैं भी चलूंगी, लेकिन घर वालों को क्या बोलेगा? घर में बताया तो जाने को नहीं मिलेगा। घर वालों को सच बताएगा कौन, झूठ बोलेंगे हम तो। तू भी घर पर यही कह देना कि ऑफिस का पूरा ग्रुप काम से बाहर जा रहा है। लेकिन हम चलेंगे कब? 2 दिन बाद चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले और सब ऑफिस के बाहर ही मिलना। चलो चलो अब काम कर लो। चारों काम करने लगते हैं, लेकिन चारों के दिमाग में बस खजाने की ही बात चल रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद चारों रुद्रगढ़ जाने के लिए ऑफिस के पास इकट्ठा होते हैं। तभी कोमल कहती है, सोच लो अभी चलना है क्या? नहीं, यहाँ बस कार को देखकर वापस जाने आए, चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। चारों कार में बैठते हैं और रुद्रगढ़ के लिए निकलते हैं। रुद्रगढ़ पहुँचने ही वाले होते हैं कि उनकी कार खराब हो जाती है। तभी कोमल कहती है, अरे ये गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं क्या हो गया, ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, चलो यार किसी से लिफ्ट लेते हैं। चारों कार से उतरते हैं, लेकिन उन्हें अंधेरे के सिवा वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। तभी कोमल कहती है, यार यहाँ तो दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा, हम कैसे जाएंगे आगे? यार अभी बस रात के 7 ही बजे, लेकिन एक इंसान इस रोड पर नहीं दिख रहा। चलो यार थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। चारों चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, उस गाड़ी को रुकवाते हैं और उसके पास जाते हैं। भैया यहाँ आसपास कोई गाड़ी वाला नहीं है जो हमें रुद्रगढ़ छोड़ दे? भैया गाड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन वो 5 बजे के बाद चलती नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको वहाँ छोड़ सकता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। हाँ हाँ भैया प्लीज आप हम लोगों को वहाँ छोड़ दो। चारों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, आप लोग कहाँ से और यहाँ किस काम से आए हैं? हम लोग यहाँ खजाना लेने। अरे पागल है भैया, ये कुछ भी बोलती है, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा घूमने आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर खजाना लेने के मकसद से आए हैं तो ये गलती मत करना, क्योंकि जो भी उस मंदिर में गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। लेकिन ऐसा उस मंदिर में क्या है जो लोगों को वापस नहीं आने देता? मुझे मेरे दादा ने बताया था कि रुद्रगढ़ का राजा दुष्यंत एक बहुत ही लालची इंसान था, उनके पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी वो मंदिर में छुपे खजाने को हासिल करना चाहते थे। एक दिन रुद्रगढ़ में बहुत बारिश हो रही थी और बारिश का फायदा उठाकर राजा मंदिर में गए और मंदिर के अंदर बने घड़े का सारा सोना निकालने लगे, जिसे देख भगवान इंद्र वर्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारी आत्मा अब हमेशा इस मंदिर में भटकेगी और अब तुम जिस खजाने को चुराने आए थे उसी खजाने की रक्षा करोगे, और जो भी मनुष्य इस मंदिर में खजाना लेने के इरादे से आएगा तुम उसे उसकी गलती की सजा दोगे, इसलिए जब भी कोई इस मंदिर में जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। चलिए अब आप लोगों की मंजिल आ गई, अब मैं चलता हूँ। चारों उतरते हैं और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। तभी कोमल बोलती है, यार हम घर वापस चलते हैं, हमने घर पर भी तो किसी को कुछ नहीं बताया है। चलना यार, तू भी किन की बातों में आ रही है, चल यार कहीं रहने की जगह ढूंढते हैं। वो सब चलने लगते हैं।
और चलते चलते उन्हें एक होटल मिलता है जहाँ वो रुक कर आराम करते हैं। अगले दिन चारों सुबह उठते हैं और गांव में घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है, तभी आकाश बोलता है, भाई कब चलेंगे मंदिर, अब तो शाम होने वाली है। मंदिर ही जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले, तुम लोग जल्दी जल्दी चलो। चलते चलते वो लोग मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और मंदिर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि पुजारी मंदिर के गेट को ताला लगा रहा है। तभी जतिन कहता है, अरे पंडित जी आप ताला क्यों लगा रहे हैं, अभी तो बस 5 ही बजे। गांव में नए आए हो क्या, पता नहीं है 5 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और इस मंदिर में कोई नहीं जाता है। चलो चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं और पंडित जी के जाते ही जतिन मंदिर का ताला तोड़ने लगता है, जिसे देख कोमल बोलती है, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम। अरे अब मंदिर का ताला तोड़े बिना तो अंदर जाएंगे नहीं। हाँ भाई जल्दी तोड़ ताला, अंदर जाते हैं। रुक मैं भी तेरी मदद करता हूँ। शिवम पास पड़े पत्थर को उठाता है और दोनों थोड़ी ही देर में मंदिर का ताला तोड़ देते हैं और अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उन सबको हिला कर रख देता है। तभी कोमल कहती है, ये अचानक मौसम को क्या हो गया, चलो ना यार वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे चलना है तो चल, नहीं चलना तो मत चल, लेकिन हम तीनों तो जाएंगे। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम लोग जाओ, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। ठीक है जा तू डरपोक। तुम लोग भी चलो ना यार, ज्यादा लालच में मत पड़ो। जा यार तू, हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। ये सुनकर कोमल वहाँ से भागते भागते होटल पहुँच जाती है और वो लोग मंदिर का दूसरा गेट खोलकर अंदर घुसते हैं। वैसे ही वो गेट बंद हो जाता है, तभी आकाश बोलता है, अरे भाई ये गेट कैसे बंद हो गया। अरे यार हवा इतनी तेज चल रही है, बंद हो गया होगा, चल अब आगे चल। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें इंद्र वर्मा की मूर्ति दिखाई देती है और जंजीरों से जकड़ा वो घड़ा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वो तीनों भागते हुए वहाँ जाते हैं और सोने को देखने लगते हैं। तभी जतन कहता है, अरे यार देख कितना सोना है भाई, जिंदगी सेट है यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काश कोमल होती यहाँ। छोड़ भाई वो तो चली गई, चल जल्दी जल्दी सोना लेते हैं और होटल चलते हैं। जैसे ही वो लोग सोने को हाथ लगाते हैं, वैसे ही मंदिर की लाइट बंद चालू होने लगती है। तभी जतिन अपना लाइटर निकालता है और जलाता है और देखता है कि उस खजाने के चारों तरफ बहुत सारे सांप हैं, जिन्हें देखकर वो लोग सांप सांप कहकर चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे जैसे वो भागते हैं, वैसे वैसे वहाँ बहुत सारे सांप और बिच्छू आ जाते हैं कि तभी वहाँ राजा दुष्यंत की आत्मा आती है और बोलती है, तुम लोग लालच की वजह से इस मंदिर में आए हो, अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी और तुम्हारी सजा बस मौत है। वो आत्मा आकाश शिवम पर हमला करती है और वो मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह जतिन पर हमला कर रही होती है कि तभी उसे जतिन के गले में एक ताबीज दिखता है जिसमें इंद्र वर्मा की तस्वीर थी, जिसे देख वो आत्मा खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो दिन आ ही गया, तुम आ गए, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। तुम ही वो इंसान हो जो मेरी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करा सकते हो। लेकिन मैं ये करूँगा कैसे। तुम इस खजाने को मंदिर में बने कुएं में फेंक दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और इसके बदले में मैं तुम्हारे दोस्तों को उनकी जिंदगी वापस लौटा दूंगा। ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन आप मेरे दोस्तों को जिंदा कर दीजिए। ठीक है लेकिन जल्दी करो, सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले तुम्हें ये काम करना होगा। ये सुनकर जतन उस घड़े को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे उठ नहीं पाता। तभी वहाँ उसे एक रस्सी दिखाई देती है, वो रस्सी को उस घड़े में बांधता है और घसीटते हुए कुएं के पास ले जाता है और कुएं में डाल देता है, जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आत्मा जाते जाते शिवम और आकाश को जिंदा कर देती है।
वो तीनों वहाँ से भागे भागे होटल आते हैं। उनकी ऐसी हालत देख कोमल बोलती है, क्या हो क्या तुम लोगों को, इतना हाफ क्यों रही हो? तीनों कोमल को सारी बात बताती है, जिसे सुन कोमल कहती है, आज हमें जितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा वो सब लालच की वजह से। अगर हमने लालच ना की होती तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता।